बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है, मैं मदनी सिटी के अंदर आया हूँ। नबील गबोल गोड भी कहलाता है ये। बागे कुरंगी से थोड़ा सा आगे तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर ये मकान देखने आया था। ये 80 गज का मकान है और जिस साहब ने ये बनाया उसने कभी ज़िंदगी के अंदर इस किस्म का काम नहीं करवाया, कभी मकान नहीं बनवाया। उन्होंने अपनी रिहाइश के लिए मकान बनवाया और मदनी सिटी के अंदर इन्होंने ये प्लाट लिया था 80 गज का। 80 गज का प्लाट ले कर फिर इसको तामीर करवाया। देखें माशाल्लाह से पहली दफ़ा बनवाने के अंदर उन्होंने देखो कैसे शानदार बनवाया है। ये इसका मेन रास्ता है इसका इधर से आने का, और ये आए हैं ऐसे कॉर्नर से, तीसरा मकान है ये इनका, ठीक है। और ये देखें आगे, ये आगे रास्ता खुलेगा इसका, ठीक है। अब अंदर चलते हैं, इसको अंदर से इसको मकान को दिखाते हैं। अभी ज़ेर तामीर ही है ये, ठीक है। ये गेट खुल गया इसका, ये अंदर से देखें इसको कितना बेहतरीन शानदार करके इन्होंने, अभी ज़ेर तामीर ही है ये मकान। और ये इसका ऊपर जाने का रास्ता है और ये बाहर से इसका एंट्रेंस है। ये ऊपर से दिखाता हूँ ये इसको। सबसे पहले आप इसको देखें, ये ड्राइंग रूम इसका, ये ड्राइंग रूम है देखें इसका। प्लस्तर की क्वालिटी भी अच्छी अच्छी है और नीचे इन्होंने मार्बल लगवाया। जैसे कि मैंने बताया ये ज़ेर तामीर है और बिल्कुल ये मूवी बनाने का मेरा मेन मकसद पता है क्या है? ये है इसको जो है ना, एक नया आदमी भी अगर दिलचस्पी ले और उसको शौक़ हो तो इंशाल्लाह अपना मकान लाजमी बना सकता है। अब ये दूसरे कमरे में हम आ गए हैं क्योंकि अभी अंधेरा है, शाम का टाइम हो रहा है, तो इसलिए जो है ना इसके अंदर थोड़ा सा बताया नहीं जा सकता। मैं इसके अंदर अभी आपको, ठीक है, एक कमरा ये है इनका, ये क्योंकि अभी इसमें जो है ना वो लाइटें नहीं है, इसके अंदर काम हो रहा है। अच्छा, ये इसका एक किचन है इसका, देख रहे हैं। ये किचन की मार्बल भी देखी इन्होंने कैसे क्वालिटी से लगवाया है और ये बेहतरीन काम इन्होंने करवाया है। ये देखें इसका, ये आप देख सकते हैं, देखें ये वेंटिलेशन भी कैसा निकलवाया है इन्होंने, जालियाँ लगवा के सीढ़ियों के ऊपर। और ये देखें, ये इसका इन्होंने सिंक लगवाया है। और तकरीबन मेरे हिसाब से सही ठेकेदार वाला इन्होंने काम करवाया है इसके अंदर और बेहतरीन काम करवाया है इन्होंने। ऐसा लगता है ये कोई बिल्कुल नील बटा नील आदमी नहीं है ये, और जिन्होंने ये काम करवाया ये बहुत बेहतरीन। ये देखें, ये दूसरा ही इसका कमरा है। ये देखें इन्होंने ये आर्च लगवाई है कमरे में दाखिल होने के लिए। इसमें गेट का इन्होंने कोई सिस्टम नहीं रखा है इसके अंदर। ये देखें, ये कमरा है, नीचे इन्होंने इधर मार्बल लगवाए हैं। अब ये देखें, इन्होंने जो पीछे एक गैलरी रखते हैं, ये गैलरी इधर दरवाज़ा रखा है, और चौकटें जितनी भी लगवाई हैं इन्होंने वेंटिलेटर वाली लगवाई हैं सब चौकटें। ये वॉशिंग एरिया बनाया है इन्होंने, ये पूरा वॉशिंग एरिया है। ये एक बाथरूम इधर इन्होंने बनाया है, ये देख सकते हैं आप इसको। ये अभी इसमें थोड़ा सा काम बाकी है बाथरूम में, और जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा, ये देखें इसका ऊपर का, ये देख सकते हैं आप। और ये इन्होंने ये डक है, ये और डक कहते हैं उसको, स्टोर है ये इनका। और ये गैस के लिए इन्होंने खिड़की बनाई है, ये देखें सारी खिड़की, ठीक है। मैं इनसे भी इनका इंटरव्यू लेता हूँ, इनसे भी मैं आपको मिलाऊँगा, मगर वो अगले ब्लॉक में आपको इसमें मिलाऊँगा। ये देखें, ये इनका सीढ़ियों का रास्ता है ये ऊपर चढ़ने का। वो जो मैंने किचन में से आपको दिखलाया था, देखें वो ये है वेंटिलेटर इसका। जीना भी बहुत कुशादा बनाया है, 80 गज के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया है। ये देखें, चौकी का भी अच्छा है, तकरीबन 3.25 फीट की चौकी रखी है इन्होंने ये। और ये देखें, चौकी वाला जीना है ये। अभी हम ऊपर आ रहे हैं इसके अंदर, ये देखें। असल में ऊपर अभी कोई काम इन्होंने करवाया नहीं है, ये देखें। ये कमरा एक बाथरूम बनाने का इसमें कर रहे हैं, ये इनका पानी का टैंक है। ये पाइप इन्होंने PPR के इस्तेमाल करे हैं इसके अंदर, और बिजली का भी अच्छा तार लगाए हैं। ये देखें, ये कमरा है इनका, ये जिसके अंदर शायद ये सीमेंट की शीटें डालेंगे इसमें। कमरा अच्छा बड़ा बनाया है इन्होंने।
ये इधर एक बाथरूम बनाया इन्होंने, ये बाथरूम है, बाथरूम में आरसीसी की छत डाली है इन्होंने इसके अंदर। अच्छा, ये डग जो मैंने ऊपर से दिखलाया था वो ये डग है, ठीक है। ये देखें, ये ऊपर से दिखलाया था ये डग है, ये पीछे किसी का घर है। ये देखें, ये बाहर से देखें आप, वो सामने जानवर बिक रहे हैं इधर। ये देखें, ये घर है ये, और ये देखें, असल में बहुत अच्छी इधर आबादी हो रही है इधर, और बहुत खूबसूरत और अच्छे मकान बन रहे हैं इधर। जैसे कि मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ इसको, ये देख रहे हैं आप, ये देखें इसको। जानवर लेने की हाईवे पे जाने की ज़रूरत भी नहीं है, नॉर्दर्न बाईपास पे इधर नज़दीक में ही मिल रहे हैं, और अच्छे लोग लेने के लिए आ रहे हैं इधर। ये देखें इसको, ये बहुत बेहतरीन जगह है, और मेरे हिसाब से अच्छा इन्होंने इंतखाब किया इधर जुल्फ़ार साहब ने। जगह के ऊपर जो घर हम दिखा रहे हैं ये है जुल्फ़ार साहब का घर है, और अच्छी फैमिली है इस जगह के ऊपर, ठीक है। मेरा ब्लॉग बनाने का मकसद ये था, अगर आप जो है कोशिश करें तो ख़ुद भी घर बना सकते हैं, और ज़रूरत नहीं है ठेकेदार की इसके अंदर। हम किसी ठेकेदार को बुलाएं और उसको बुलाने के बाद जो है उसको हम ठेका दें, फालतू इजाफी पैसे दें उसको। आप कोशिश करें ख़ुद बनाएं। इनकी जॉब असल में सऊदीया में रहते थे, ये सऊदीया में इनकी जॉब थी, वहाँ ये आइसक्रीम बेचते थे और ड्राइवरी भी करते थे वहाँ। फिर ये पाकिस्तान में आ गए कुछ अर्से पहले, तो इन्होंने इधर आके ड्राइवरी शुरू करी है, और फिर इधर वो उसी काम के दौरान इन्होंने इधर प्लाट ख़रीदा है, ख़रीदने के बाद और अपने बच्चों के लिए एक अच्छा मुस्तकबिल बना के दिया है, और सब काम छोड़ के इन्होंने इसी के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी है, और मेरे हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छा किया। अगर आप लोग भी ये मेरी वीडियो देखें तो इसको जो है तो आप जो है ख़ुद भी कोशिश करें, बनाने का मकसद मेरा यह है इस वीडियो को, आप ख़ुद भी कोशिश करें इसके अंदर, और ख़ुद बनाने की इसको कोशिश करें, और ख़ुद अच्छे तरीके से इसको बनाएं, और जब कोशिश करेंगे तो ख़ुद आ जाता है। अच्छे लोगों से मिलें, चार चार पाँच पाँच ठेकेदारों से बात करें, मिस्त्रियों से, दिहाड़ी पे बनवाएं उसको, क्या वैसे उसको बनवाएं, ठीक है। ज़रूरी नहीं, अगर आदमी कोशिश करे तो हर काम कर सकता है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं किसी और ब्लॉग में मिलता हूँ, अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लोगों तक पहुँचे। और मेरा मकसद यही है वीडियो बनाने का, आप लोगों तक एहसान और अच्छी चीज़ पहुँचे और अच्छी मालूमात पहुँचे, आप लोग ख़ुद कोशिश करें, ठीक है। अच्छा, अस्सलामु अलैकुम।